स्टूडेंट अब देखो रॉ मटेरियल के बेस के ऊपर हमने देखा एग्रो बेस इंडस्ट्री, अब दूसरी जो इंडस्ट्री है वो मिनरल बेस इंडस्ट्री है। अब मिनरल बेस इंडस्ट्री है उस किसको बोलेंगे हम, जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल में क्या यूज हो, मिनरल यूज हो, मींस मिनरल के ऊपर डिपेंड हो, ऐसी इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे आप, मिनरल बेस इंडस्ट्री बोलेंगे। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, वैसी बहुत सारी इंडस्ट्री है कि जो मिनरल के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें फर्स्ट बात करेंगे हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तब याद रखो कि जहां पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री ज्यादा होगी वो कंट्री ज्यादा डेवलप होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ वो बेसिक इंडस्ट्री है। कोई भी इंडस्ट्री को आपको चलाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आयरन और स्टील की जरूरत पड़ेगी इसी वजह से। और मशीनरी बनाने के लिए और इंडस्ट्री ज्यादातर कहां पे डिपेंड करती है, आयरन और स्टील के ऊपर। अब आप सोचोगे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तीन बेसिक रॉ मटेरियल है, आयरन ओर, कुकिंग कोल और लाइमस्टोन। और उसका प्रोपोर्शन भी फिक्स होता है, 4:2:1, मीन 4 ग्राम आयरन ओर, 2 ग्राम कुकिंग कोल, लाइमस्टोन 1 ग्राम। वैसे रेशियो में ही क्या होती है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री चलती है। और आप देखो तो पहली आयरन जो स्टील इंडस्ट्री थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 1874 बट फेल गई थी। बाद में 1881 में फिर से एस्टेब्लिश की, वो भी सक्सेस हुई, बाद में वो भी क्लोज हो गई। फाइनली 1907 में टिस्को, जो जमशेदजी टाटा है, उसने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्लांट डाला। कहां पे, जमशेदपुर में। और सबसे फेमस रीजन है आयरन और स्टील के लिए तो छोटा नागपुर प्लेट्यूस वाली जो पूरी रीजन है वो कहां पे फेमस है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। और बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, भिलाई है, बोकारो है, जमशेदपुर है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस है, और जैसे हमने कॉटन में देखा था चैलेंजेस, वैसे ही सेम चैलेंजेस यहाँ पे है। जैसे कि इरेग्युलर पावर सप्लाई, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर बहुत ही लो प्रोडक्टिव वाला है, हाई कॉस्ट ऑफ कुकिंग कोल, कुकिंग कोल कैसा है, बहुत ही महंगा है, पूरा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, बहुत ही वीक है। और यही वजह है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अभी तक बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुई इंडिया में। और इंडिया का रैंक है फिफ्थ रैंक है अभी, राइट। अब है दूसरी मिनरल बेस इंडस्ट्री देखे तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, जो गुड कंडक्टर और मेलेबल और स्ट्रॉन्ग है, और इसका यूटिलाइजेशन मोस्टली होता है एयरक्राफ्ट बनाने में, वायर बनाने में और यूटेंसिल बनाने में। क्योंकि एल्यूमिनियम कैसा होता है, बहुत ही लाइट होता है, और वो किसमें से बनता है, बॉक्साइट। उसकी जो रॉ मटेरियल है वो कौन सी है, बॉक्साइट है। और ज्यादा आपको एल्यूमिनियम कहां को मिलेगा, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में आपको ज्यादा। दूसरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री देखे तो केमिकल इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और उसमें ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक प्रोडक्ट। और आप देखो तो इंडिया के जो जीडीपी है उसमें 3% जितना कंट्रीब्यूशन कौन करती है, केमिकल इंडस्ट्री करती है। आपको ये इंडस्ट्री ज्यादातर गुजरात में देखो तो अंकलेश्वर और वापी में देखने को मिलेगी। और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग बोला जाता है केमिकल का, H2SO4 को। ऐसे ही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखे तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, ये इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया खुद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। और रॉ मटेरियल देखे तो क्या है, पोटास, जो सबसे इंपॉर्टेंट गुड्स है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। बट अब इंडिया को फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। पॉपुलेशन बढ़ा, ज्यादा क्रॉप की डिमांड थी, तो क्रॉप ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया गया, फर्टिलाइजर को यूज किया गया, और इसी वजह से बूस्ट मिला किसको, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। सीमेंट इंडस्ट्री देखे तो सीमेंट इंडस्ट्री आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे ज्यादा क्या, सीमेंट यूज होती है। और सीमेंट आप देखो तो बनाने के लिए सिल्क, लाइमस्टोन और एल्यूमिना ज्यादातर उसका यूज होता है। और फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहां पे बना था, चेन्नई में 1904। आप गुजरात आओगे तो गुजरात में आपको सीमेंट इंडस्ट्री ज्यादा देखने को मिलेगी, पोरबंदर, वेरावल, ओखा, उस जगह पे आपको सीमेंट प्लांट बहुत ज्यादा को देखने को मिलते हैं। और हमारे यहाँ पे सीमेंट कौन सी फेमस है, अंबुजा सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है या जेके लक्ष्मी सीमेंट है। वैसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री,
अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जनरली क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, कार, बसेस, ट्रक, और इंडिया देखे तो ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे कि टाटा है, महिंद्रा है, तो सब कंपनी ऐसी है कि जो लार्ज स्केल में ट्रक बनाती है और कार बनाती है। वैसे ही 30+ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में आई हुई है, और ज्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, दिल्ली, गोरेगांव, पुणे में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। लास्ट 15 ईयर में तो हमने ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही प्रॉफिट किया है। जैसे कि आप देखो तो ट्रैक्टर और साइकिल जैसी जो चीजें हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और लास्ट देखे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मीन्स आईटी इंडस्ट्री, वो जनरली क्या प्रोडक्ट बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल, लैपटॉप। और उसका ग्रो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनने की वजह से आईटी डिपार्टमेंट अभी फेमस है। और इंडिया का जो आईटी कैपिटल जो किसी को बोला जाए, मींस इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बोला जाए, तो किसको बोला जाता है, बेंगलोर को। और बेंगलोर को दूसरा बोला जाता है सिलिकॉन वैली, क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। ओके, और ऐसे देखे तो पूरे वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कौन सी है, कैलिफोर्निया है। और आईटी में हमारा बहुत ही नाम है, वैसी बहुत सारी कंपनी है, और वो बीपीओ मीन बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो चलती है वो पूरी कौन चलाता है, टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और दूसरा है आप देखो तो टेक महिंद्रा है, फिर इंफोसिस है, और दूसरी एक देखे तो विप्रो, कौन सी है, विप्रो, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चलने वाली इंडिया की इंडस्ट्रीज है।